हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी एरिया ऑफ सर्कल इंटीग्रेशन से कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों, ये जो सर्कल होता है इसका सेंटर ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है और रेडियस ए होती है। कैसे पता चलता है? देखिए, इस एक्स को आप लिख सकते हो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। इस वाई को लिख सकते हो वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की वो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो इक्वेशन है इससे आप इसका कंपैरिजन लीजिए। तो देखिए, एच इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। के इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब इधर देखिए, आर इक्वल टू हो गया ए, ठीक है। सेंटर की बात कर रहे हैं हम, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो बेटा वो होता है एच के। एच आपका जीरो है, के भी जीरो है, तो ये सेंटर हो गया जीरो जीरो और रेडियस कितनी है ए। इस तरह से पता चल गया कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, जीरो जीरो होगा और रेडियस क्या होगी, ए होगी। अब बच्चों, हम इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। अब बेटा हम इस सर्कल का सेंटर बनाएंगे ओरिजिन जीरो जीरो और रेडियस ए है, ये हो गई रेडियस। ये एक्स एक्सिस पे हम ए तक जा रहे हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा इसे आप कह सकते हो ए जीरो, ठीक है। नाम भी दे देते हैं ओ एल एस। अब बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे। सर्कल में हर एक पार्ट बच्चों इक्वल होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है, तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्कल का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों, एरिया निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। ये दो फॉर्मूले होते हैं, अब इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, यदि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, y लिखा है। तो लिमिट कौन सी लोगे? लिमिट बेटा आपको x वाली लेनी है। यहाँ y लिखा, लिमिट किसकी लेंगे, x की। यदि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ x दिख रहा है, तो लिमिट किसकी लोगे, आप लोगे y की। उल्टा होता है सबसे ज्यादा बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए y, तो बेटा ये जो आपको कर्व दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उससे y पता कर लेते हैं। देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर है दूसरी तरफ गया माइनस का, ठीक है। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो बेटा इधर लग गया रूट। अब बच्चों, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के एरिया पता करेंगे। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ y लिखा है मतलब लिमिट x की लेना है। तो देखिए, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है और इधर a है, हम इंटीग्रेशन 0 से a तक करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से a तक, ठीक है। अब बच्चों, ये वाला एरिया मिल जाएगा, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो ये कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, y की जगह यहाँ से लिख लेते हैं अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये 4 बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो होता है x बाय 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और अब लिमिट लगा देते हैं 0 से a। अगली स्टेप में बेटा आप ये 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया, एरिया इक्वल टू 2। इसमें लिमिट रखेंगे, x की जगह सबसे पहले हम a रखेंगे, यहां रख देते हैं x की जगह a रखा, a स्क्वायर साइन इनवर्स इस एक्स की जगह भी ए रखा, ये माइनस। अब बच्चों, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, मतलब एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे। यहां जीरो रखोगे तो बेटा ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो इंटू ये होगा जीरो हो गया, ठीक है। ये प्लस ए स्क्वायर
अब बच्चों जब आप यहां जीरो रखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा साइन इनवर्स जीरो, ठीक है, ये टू ये जीरो हो जाएगा, जीरो का ए में मल्टीप्लाई जीरो, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन को आप लिख सकते हो पाई बाय टू, ये माइनस ये ए स्क्वायर, साइन इनवर्स जीरो, बेटा साइन इनवर्स जीरो को आप लिख सकते हो जीरो, तो ये इनटू हो गया जीरो, ये टू ए स्क्वायर पाई अपॉन टू और ये जीरो हो जाएगा, है ना, तो ये टू से टू कैंसल, पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला इंटीग्रेशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।